डार्क राइड दो हजार छ को डिसक या लाइक like कर दें। तो फिल्म की शुरुआत में एक राइड को दिखाया जाता है जिसका नाम था डार्क राइड जो इस मूवी का नाम भी है तो डार्क राइड के बारे में आपको पता ही होगा एक ऐसी खुफिया और ड्राउनी जगह जहाँ पर लोग इस राइड को लेकर बहुत मजे किया करते थे एक किस्म का कहले फन मौज मस्ती मगर आज की कहानी ऐसी डार्क राइड के बारे में है इस राइड पर जाना मतलब अपनी मौत को दावत देना है क्योंकि एक अनजान कातिल इस राइड पर जाने वाले लोगों को मार देता है तो कहानी शुरू नाइनटीन एटी नाइन ऐसी होती है जहाँ पर दो लड़कियाँ पार्क में घूमने के लिए आई हुई थी उस पार्क में एक राइड थी जो काफी ड्राउनी थी उन दोनों लड़कियों में से एक अपनी बहन से ये कहती है की क्यों ना हम इस राइड में जाए मगर उसकी बहन कहती है नहीं हमें नहीं जाना चाहिए लेकिन बड़ी बहन छोटी बहन को मना ही लेती है और अपने साथ ले गई थी वो दोनों अब एक काउंटर पर जाती हैं जहाँ पर एक बहुत ही अजीब बूढ़ा आदमी बैठा था उस आदमी का बेटा वहाँ पर बैठा चेस खेल रहा था वो बूढ़ा आदमी उन दोनों लड़कियों से कहता है देखो इस राइड पर देख कर जाना क्योंकि ये बहुत खतरनाक है अब जब वो दोनों बहनें अंदर जाती है तो डर गई थी अंदर का नजारा बहुत ही खौफनाक था तभी ऊपर से एक हाथ आता है जो उन दोनों बहनों में से एक को उठा ले गया था ये देख दूसरी बहन बहुत ही डर गई थी और एक अनजान कमरे में पहुँच जाती है वहाँ पर वो मरी हुई एक लड़की को देखती है तभी उसके सामने एक आदमी आता है जिसने डॉल का मास्क पहना हुआ था वो उसे देख बहुत डर गई थी तभी वो आदमी वहाँ से एक कपड़ा हटाता है वो मरी हुई लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी बहन थी फिर वो आदमी कातिल उस दूसरी बहन को भी पकड़कर मार देता है जिसके बाद अखबार में इन दोनों लड़कियों की खबर छपी थी जिसमें लिखा था कि इन दोनों के कातिल को पकड़कर जेल में डाल दिया गया है और उस राइड को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था अब हमें कहानी प्रेजेंट यानी की आगे की दिखाई जाती है यहाँ ऐसी शुरू होती है मेरी कहानी यहाँ पर हम एक लड़की कैथी को देखते हैं जो अपनी दोस्त ऐसी बैठी बातें कर रही थी तो कैथी का करेक्टर मैं खुद को बताऊंगी हम एक ट्रिप पर जाने वाले थे यहाँ पर मेरी दोस्त ने पूछा क्या तुम अपने पुराने दोस्त को लेकर जाना चाहती हो इस ट्रिप पर मैंने बताया हाँ इस ट्रिप पर जाने के लिए बहुत पैसों की जरूरत है तो मेरे ख्याल से हमें उन्हें ले जाना चाहिए इस ट्रिप पर अपने साथ और जिससे हमारे पैसों में भी मदद हो जाएगी उधर दूसरी तरफ मेरा पुराना दोस्त और उसका बेस्ट फ्रेंड जिसका नाम बिल था वो दोनों भी इस ट्रिप पर जाने की बातें कर रहे थे बिल कहता है मैं इस ट्रिप पर अकेले नहीं जाऊंगा अब खैर वो सभी ट्रिप पर जाने के लिए तैयार थे फिर हम इकट्ठे होकर कॉलेज के बाहर मिले यहाँ पर हमारे साथ एक और दोस्त आ गया क्यूँकी उसके पास गाड़ी थी तो हमें जाने में मसला भी नहीं होगा फिर हम सभी अपने ट्रिप के लिए निकल गए रास्ते में हमने अपनी गाड़ी को गैस स्टेशन पर भी रोका हमने गाड़ी में गैस को बिल करवाया अब जब बिल को मेरे दोस्त ने कहा कि जाओ अंदर जाकर पैसे देकर आओ जब वो पैसे देने गया तो अंदर एक बुढ़ा आदमी बैठा था जो कुछ भी नहीं बोल रहा था बिल आकर हम सबको बताता है कि अंदर एक अजीब सा आदमी बैठा है जो कुछ भी नहीं बोल रहा अब खैर हम सभी मिलकर उसके पास गए और हमने उस बूढ़े आदमी को पैसे दिए तभी हमें वहाँ पर एक इश्तेहार मिला जिसमे लिखा था की बीस साल के बाद डार्क राइड दोबारा खुल गई है हम ये सब कुछ पढ़कर काफी एक्साइटेड हो गए क्यूँकी हमने इस राइड के बारे में बहुत कुछ सुना था इसलिए हमने वहाँ पर जाने का फैसला किया दूसरी तरफ मेंटल हॉस्पिटल को दिखाया जाता है जहाँ दो वार्डन उस कातिल के कमरे में जा रहे थे जिसने बीस साल पहले दो बहनों का कत्ल किया था इतने सालों से वो वहीं पर कैद था उसे दो वार्डन मारने लगते हैं लेकिन उस कातिल ने खुद को छुड़वा लिया था वो कद में बहुत लंबा था और बहुत ताकतवर भी एक वार्डन के पेट में इतने जोर से मुक्का मारता है कि उसकी मौत हो गई थी जब दूसरा वार्डन वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो वो उसे भी मार देता है फिर वो चाबियों को चिरा कर वहाँ ऐसी भाग किया था दूसरी तरफ हम सभी दोस्त डार्क राइड की तरफ जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थे मगर हमारा एक दोस्त कहता है आज रात हम होटल में रुकते हैं और फिर कल सुबह डार्क राइड पर जाएंगे मगर यहाँ पर बिल ने हमसे कहा क्यों ना आज रात ही हम डार्क राइड पर चले इस तरह हमारे होटल का खर्चा भी बच जाएगा और हम रात वहीं पर गुजारेंगे हमने भी उसकी बात को मान लिया और डार्क राइड की तरफ निकल पड़े रास्ते में जब हम जा रहे थे तो हमें एक लड़की मिलती है जिसने हमारी गाड़ी को रोक लिया और हमसे लिफ्ट लेना चाहती थी मैंने बिल से कहा कि हमें गाड़ी नहीं रोकनी चाहिए ऐसे हम किसी भी अनजान पर भरोसा नहीं कर सकते मगर फिर भी बिल ने गाड़ी को रुकवा दिया वो लड़की हमारी गाड़ी के अंदर आकर बैठ गई हमने उससे पूछा कि तुम कहाँ जाना चाहती हो उसने हमसे कहा बस थोड़ा सा आगे जाकर मैं उधर जाऊंगी मैंने और मेरी दोस्त ने उस लड़की से पूछा क्या तुम्हें ऐसे डर नहीं लगता तुम इतनी रात को अकेली घूम रही हो जो बात उस लड़की को शायद हमारी अच्छी नहीं लगी उसने कहा की मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ हमारा दोस्त जो गाड़ी चला रहा था उसने उस लड़की को बताया की हम सब एक डार्क राइड पर जा रहे हैं वो लड़की कहती है वो तो बहुत मजे की जगह है क्या मैं भी तुम लोगों के साथ जा सकती हूँ कुछ देर के बाद हम सभी वहाँ पर पहुँच गए हमने वहाँ पर पहुँच कर देखा की डार्क राइट के मालिक को पुलिस ऑफिसर पकड़ कर ले जा रहा था मतलब लाइट बंद हो चुकी थी मेरे दोस्त ने हमसे कहा की हम चुप करके राइट के अंदर जाएंगे हमें टिकट भी नहीं लेना पड़ेगा और खूब मजे करेंगे मुझे ये आइडिया बिल्कुल अच्छा नहीं लगा मैं अंदर जाना नहीं चाहती थी मैंने अपने दोस्त से कहा तुम लोग जाओ मैं यहीं पर रुककर तुम लोगों का इंतजार करूंगी पर मेरे दोस्त ने मुझे जैसे तैसे कर कर मना लिया अब खैर मैं भी उनके साथ अंदर चली गई मेरे एक दोस्त ने डार्क लाइट की पावर को ऑन कर दिया जिससे सारी लाइट्स जल गईं और हम अंदर चले गए हमने अंदर जाकर देखा जहाँ का नजारा बहुत ही डरावना था अंदर काफी खौफनाक चीजें थी जिसे देखकर पहले तो हम डर गए मेरे एक दोस्त को एक गुड़िया मिली जिसके साथ वो मजाक मजाक में डांस करने लगा पर जब उसने उस गुड़िया को आगे करके देखा तो उस गुड़िया का चेहरा गायब था उधर वो ही कातिल मौजूद था जो मेंटल हॉस्पिटल से भाग कर आया था जिसने बीस साल पहले दो बहनों का कत्ल किया था और उसी कातिल ने गुड़िया के चेहरे का मास्क पहना हुआ था लेकिन हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता था कि वो कातिल यहीं पर है और वो वहाँ पर हम सब पर नजर भी रख रहा था खैर हम लोग भी उधर ही थे और डार्क राइड में घूम रहे थे यहाँ पर मेरा एक दोस्त बताता है कि यहाँ पर पहले दो बहनों का कत्ल हुआ था जिसके बाद इस राइड को बंद कर दिया गया ये उन्हीं दो बहनों की बात कर रहा था जिनको हमने कहानी के शुरू में देखा था वो बताता है की यहाँ का मालिक एक बुरा आदमी था जिसने दो छोटे बच्चों को गोद लिया था उनमें से एक बच्चा पागल था वो हम हमेशा यहाँ डार्क राइड में रहा करता था और यहाँ पर पड़ी डोल्स की कॉपी नकल करने लगा उस वक्त उसकी उम्र सिर्फ पाँच साल की थी देखने में वो बहुत लंबा था मैंने सुना है फिर उस कातिल को जेल में डाल दिया गया और उसे फांसी हो गई और उसकी मौत के बाद जब से ये जगह बंद है बिल कहता है नहीं ये बात सच नहीं है ये मेरे ख्याल से आधा सच है क्योंकि जिन बहनों की बात तुम कर रहे हो वो मेरी कजन थी उनके मॉम डैड से मुझे पता चला कि उनकी मौत के बाद उस कातिल को मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया था अब भी वो जिंदा है वो वहीं पर बंद है मैं और मेरे सभी दोस्त बिल की बातें सुनकर हैरान हो गए और अब तो सबको डर भी लग रहा था फिर हम उस राइड में घूमने लगे मेरी दोस्त हमारी एक और दोस्त को लेकर कमरे में आई जहाँ पर उन्होंने मेरी लाश को देखा मेरा गला बहुत ही बुरी तरह कटा हुआ था जिसे देख कर दोनों काफी डर गए और तभी मैं उठकर हंसने लगी क्यूँकी मैं उनके साथ मजाक कर रही थी मेरे साथ बिल भी शामिल था मेरा दूसरा दोस्त इस बात पर बहुत नाराज हुआ उसको ये मजाक बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था अब हम सभी ने यहाँ से जाने का फैसला किया पर जब हम दरवाजे के पास गए पर दरवाजा तो खुल ही नहीं रहा था हम सभी को ये लगा कि किसी ने जैसे हमें बाहर से बंद कर दिया हो हम सभी मिलकर बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगे मेरा एक दोस्त अंदर जब कमरे में गया तो उसने वहाँ पर कातिल को देखा तभी कातिल ने वहाँ की सारी लाइट्स बंद कर दी जब हमारा एक दोस्त लाइट को ठीक करने गया तो उससे भी लाइट्स ठीक नहीं हो पाती दूसरी तरफ मैं मेरी दोस्त और बिल बहुत ज्यादा परेशान थे हम किसी तरह भी यहाँ से निकलना चाहते थे तभी वहाँ पर मेरी दोस्त ने एक डॉल को देखा जो बिल्कुल हमारे दोस्त जैसा लग रहा था जब मेरी दोस्त ने उसे गौर से देखा तो पता चला असल में वो हमारा दोस्त ही था जिसको कातिल ने मार दिया था हम सभी उसकी ऐसी हालत देखकर चिल्लाने लगे और बहुत डर भी गए थे अब बिल यहाँ से जल्दी से उस दोस्त के पास गया था जो लाइट्स को ठीक करने गया हुआ था पर बिल को पहुँचने में देर हो गई थी उस कातिल ने उस लड़की को भी मार दिया था जिसने हमसे रास्ते में लिफ्ट ली थी उसका सर उसने बुरी तरह काट कर अलग कर दिया दूसरा दोस्त जब उस कातिल से बचकर भाग रहा था जो लाइट लाइटिंग करने गया हुआ था तो वो बेचारा बेहोश हो गया उस कातिल ने मेरे दोस्त को तो छोड़ दिया पर उस लड़की का कटा हुआ सर लेकर वहाँ से चला गया था उधर दूसरी तरफ मैंने अपने दोस्त से कहा कि तुम जाकर बाहर जाने का रास्ता ढूंढो मैं इतने अपने बाकी के दोस्तों को ढूंढती हूँ जब मेरी दोस्त रास्ता ढूंढने जा ही रही थी तो तभी उस कातिल ने उसे भी पकड़ लिया और पटक दूर फेंका जिस वजह से मेरी दोस्त की भी मौत हो गई वो कातिल मेरी दोस्त की लाश को लेकर कमरे में चला गया जहाँ पर उसे मेरा वो दोस्त भी मिल गया जो कुछ देर पहले पे होश हुआ था अब वो कातिल उसके पीछे था बाहर जो दो पुलिस ऑफिसर अपनी गाड़ी में बैठे थे उन्हें फोन आता है और बताया जाता है की डार्क राइड ऐसी बहुत सी आवाजें आ रही है तो उन्हें अंदर जाकर चेक करना होगा की सब ठीक है या नहीं अभी डार्क राइड के अंदर एक सिक्योरिटी गार्ड आया उसने मुझे देख लिया था उस गार्ड ने मुझसे पूछा की तुम अंदर क्या कर रही हो मैंने बताया की एक का है जो मेरे दोस्तों को बहुत बेरहमी से मार रहा है तभी वो कातिल गार्ड के पीछे आ गया था जो अपने एक बहुत ही बड़े चाकू से उस गार्ड के सर के दो टुकड़े कर देता है उसने गार्ड को भी मार दिया था ये देख कर मैं वहाँ से भागने लगी और खिड़की से छलांग लगा दी जिस वजह से मेरी एक टांग टूट गयी पर मैंने फिर भी हार नहीं मानी मैं वहाँ से भागने में कामयाब हो चुकी थी मैंने गाड़ी को निकाला और मैं वहाँ से चली गई तभी मुझे मेरे एक दोस्त का मैसेज आया जो अब भी जिंदा था और उसे डार्क राइड में फंसा हुआ था मैंने जब उसका मैसेज पढ़ा तब मैंने अपने दोस्त की मदद करने का फैसला किया मैं गाड़ी को दोबारा से डार्क राइड की तरफ ले गई वो कातिल मेरे दोस्त को मारने ही वाला था तभी मैं गाड़ी लेकर वहाँ पर आ गई और मैंने उस गाड़ी से टक्कर मारी जिस वजह से वो कातिल उछल कर नीचे किलो पर जाकर गिरा और उसकी मौत हो गई मैं भी उस एक्सीडेंट की वजह से वहीं पर बेहोश हो गई थी तभी वहाँ पर बिल आया जो बिल्कुल ठीक था मेरा दोस्त उससे पूछता है हम तो समझे थे कि तुम मर गए बिल कहता है नहीं मैं जिंदा था और क्या वो कातिल मर गया मेरे दोस्त ने उसे बताया कि हाँ कैथी ने उसे गाड़ी से टक्कर मार कर मार दिया ये जानने के बाद बिल का रवैया अजीब सा हो गया वो ऐसी बात कर रहा था जैसे वो उस कातिल को बहुत अच्छे से जानता हो यहाँ पर कहानी में एक नया मोड़ आया बिल ने मेरे दोस्त को बताया कि मैं भी उस कातिल का भाई हूँ जो कहानी तुमने सुनाई थी उन दो भाइयों की उनमें से जो ठीक था वो मैं ही हूँ ये बताकर बिल ने मेरे उस दोस्त को भी चाकू से मार दिया जिसके बाद मुझे भी होश आ गया अब मुझे पता चल चुका था ये बिल भी उस कातिल से मिला हुआ था यानी कि वो उसका छोटा भाई था बिल ने मेरा शुक्रिया किया कि मैं सबको यहाँ पर लाई मैं उस डार्क राइड से निकलकर बाहर आकर बहुत रोने लगी क्योंकि मेरी वजह से इतने से वक्त में मेरे सभी दोस्तों की मौत हो गई शायद सबकी कसूरवार मैं ही थी मुझे सबको सोच कर बहुत अजीब लग रहा था बिल ने अपने कातिल भाई का मास्क उतार कर अपने चेहरे पर लगा लिया शायद अब वो मुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेगा और क्या पता वो आगे कितने लोगों को मारने वाला था मतलब की ये दोनों भाई पागल थे कहानी के आखिर में पुलिस की गाड़ी का साइरन सुनाई देता है क्या बिल को पुलिस ने पकड़ लिया था क्या ये खून खराबा आगे चलेगा या यही पर खत्म हो जाएगा तो इसी सस्पेंस के साथ इस मूवी की कहानी यही पर खत्म हो जाती है